हजरते अली ने फरमाया, जब रस्सी सहत हो जाए तो समझ जाए कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सहत हो जाए तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर आपके अंदर वो आवाज़ मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है कि ये चीज़ हलाल है और ये हराम, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका दिल अभी जिंदा है। ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। हमारे माशरे में मस्जिदों से ज़्यादा हस्पतालों में अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया जाता है। किसी को इसकी ज़ात और लबास की वजह से हकीम न समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला एक अल्लाह ही है। वो उसे अता कर भी सकता है और आपसे ले भी सकता है। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाएं, तब हम उसमें सिर्फ हामियां नजर आने लगती हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जिंदगी में कोई ना कोई हार ऐसी जरूर होती है जिसके बाद सारी उम्र कुछ भी जीतने को दिल नहीं करता। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। हकीकत तो यह है कि बाज औकात हम पूरी तरह मुखलिस होकर भी किसी की नजरों में बेकार हो जाते हैं। अगर लोग नमाज फजर का सवाब और फजीलत जान लें, तो रात को इस खौफ से सोना छोड़ दें कि कहीं नींद की वजह से फजर की नमाज ना छूट जाए। सुभान अल्लाह। दुनिया का महंगा तरीन तोहफा वक्त है, जो सिर्फ दिल से किसी को चाहने वाले ही दे सकता है। कमज़र्फ लोगों के पास तो जवाब देने का भी वक्त